चेक। मैं आज मेरा तो मेरे हाथ में तो दो दो लड्डू हैं। देखिए जी जी, मेरे हाथ में दो दो लड्डू, छोटी बहन रितंभरा, साध्वी रितंभरा और मेरे अनुज छोटे भाई, आज इनको थोड़ा मैंने डांटा भी जोर से। मेरे छोटे भाई उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आयुष्मान आदित्यनाथ योगी, तो आज तो आनंद ही आनंद है। मैं बहुत प्रसन्न हूं। माइक इनको मैं दे रहा हूं और यह कहकर दे रहा हूं कि जब पाकिस्तान का युद्ध छिड़ा था और मुक्ति वाहिनी थी बांग्लादेश की, हमने सहायता की थी, उस समय मैं विद्यार्थी था। अटल जी प्रतिपक्ष के नेता थे उस समय। संसद में मनोनीत राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य संप्रति स्वर्गीय श्याम नारायण पांडे जी ने एक बात कही थी, गंभीरता से सुनिए, फिर दे रहा हूं माइक इनको क्योंकि इनको जाना है। यह तुंग हिमाचल किसका है? उन्होंने कहा, हिमगिर की चट्टाने चटकी, जिसमें पौरुष हो उसका है। 1000 कुंडी ये हनुमान महायज्ञ मेरा चल रहा है, कोई कामना मेरी नहीं है, पर एक कामना है आदित्यनाथ जी, तब तक हमें विश्राम नहीं लेना चाहिए जब तक पाक अधिकृत कश्मीर हमें फिर से नहीं मिल जाता। हमें पाक अधिकृत कश्मीर चाहिए और चीन के द्वारा हथियाई हुई 800 वर्ग मील जो जमीन है हमारी लद्दाख को हमें चाहिए, हमें अखंड भारत चाहिए। लोग मेरे लिए कहते रहते हैं कि ये तो भाजपाई साधु, मैंने कहा नहीं, भाजपाई साधु नहीं हूं मैं, पर भाजपा ने चिन्ह बड़ा प्यारा तय किया है, कमल। कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है और हम किसी की भी पूजा कमल से करते हैं तो भारत माता की पूजा कमल से होगी और कमल भाजपा का चिन्ह है। मैं तो कहूंगा कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री स्वस्थ रहकर आनंद कराएं और एक बार फिर हम हुंकार भरें, अयोध्या पूरी हो गई, काशी और मथुरा के लिए उसमें भी मुझे कोर्ट में बुलाया जाएगा, मैं जाऊंगा, जैसे अयोध्या में मैंने गवाही दी। मुख्यमंत्री जी, आपको तो पता ही होगा, अयोध्या की गवाही देने के लिए कोई नहीं जा रहा था। मुख्यमंत्री जी, सभी साधुओं ने मना कर दिया था, चारों पीठों के शंकराचार्य झूठ बोलते हैं लोग, सभी ने मना कर दिया कि हमारे ठाकुर हमको मना कर रहे हैं। रितंभरा जी जब मेरे पास आया विषय, तो मैंने कहा देखो, मैं वशिष्ठ गोत्री ब्राह्मण हूं, मुकदमे में जब बालक वादी नाबालिग होता है तो माता पिता और गुरु उसका पक्ष लेते हैं, मैं भगवान के गुरुकुल का हूं, इसमें अवयस्क हैं भगवान राम रामलला, मैं पक्ष लूंगा, देखता हूं क्या होता है।
और एक बात कहकर माइक दूंगा आपको, आज इतना से आप जानते रहिए कि मेरा श्रम क्या है। एक पक्ष था जजों के पास कि रामलला की जन्मभूमि यही है, इसमें कोई प्रमाण है क्या? आप जानकर प्रसन्न होंगे मुख्यमंत्री जी और बहन चमरा, 2003 का वह 11 जुलाई से 19 जुलाई का मेरा जीवन, मैं पश्चाताप नहीं कर रहा हूं, भरत जी ने पश्चाताप किया था कि भगवान के काम में मैं नहीं आया, पर मैं प्रसन्न हूं कि मेरी प्रतिभा भगवान के काम में आई। आए बस दो वाक्य बोलकर, और फिर मैंने दिए प्रमाण 441 वैदिक प्रमाण। जब मैंने दिया अथर्ववेद के दशम कांड के 31वें अनुवाक का दूसरा मंत्र, अष्टाचक्रानव द्वारा देवानाम पूर्व योद्धा विश्याम हिरणमयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः, तब जज ने कह दिया, मुस्लिम जज थे वो आलम साहब का, सर यू आर डिवाइन पावर। तो देखिए राम जन्मभूमि को, राम जन्मभूमि जो वरदान मिली है हमें बलिदानों के बाद, 22 जनवरी मेरे जीवन का सबसे बड़ा क्षण होगा। इसी प्रसन्नता के साथ यह अमाइक माइक अपने अनुज, क्योंकि मैं स्वयं ब्रह्मचारी और योगी जी भी ब्रह्मचारी, अपने अनुज आयुष्मान आदित्यनाथ योगी को दे रहा हूं, फिर रितंभरा जी को, फिर मेरी कथा होगी। योगी जी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आयुष्मान आदित्यनाथ योगी, जिनके कुशल नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है। एक सरकार थी जो कार सेवकों पर, राम भक्तों पर गोलियां बरसाती थी, और एक ये सरकार है योगी सरकार जो राम भक्तों को पलक पावड़े बिछाकर फूलों से स्वागत कर रही है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करता हूं कि परम पूज्य जगतगुरु अमृत महोत्सव की अमृत बेला पर आत्मोद्गार प्रकट करें। जय जय सीताराम। व्यासपीठ पर विराजमान जगतगुरु परम पूज्य रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज, आज के इस अमृत महोत्सव समारोह में जिनका सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है, पूज्य दीदी माँ के रूप में जिन्हें बड़ी श्रद्धा के साथ हर भारतवासी संबोधन देता है, ऐसे आदरणीय साधु रितंबरा जी, सुविख्यात कथाव्यास सम्मान्य देवकी नंदन ठाकुर जी, देश भर से और दुनिया भर से आए हुए सभी श्रद्धालुजन, उपस्थित बहनों और भाइयों, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के इस पावन धरा पर जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित इस पावन समारोह में मैं प्रदेश शासन की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। ये महज संजोग नहीं है, बल्कि
देव योग से निर्धारित कार्यक्रम होगा कि जब जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी का जन्मोत्सव का अमृत महोत्सव हो तो उसी अवसर पर प्रभु राम 5 शताब्दी की अपनी इस अवधि को विस्मृत करके अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हो रहे हों। प्रभु की कृपा के सिवाय इस प्रकार के देव योग मिलने अत्यंत कठिन है और हमारी तो पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम लोगों ने संघर्ष को नजदीक से देखा और आज अपने इस भौतिक चक्षु से न केवल प्रभु राम को अपनी जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर में विराजमान होता हुआ देख रहे हैं बल्कि एक नए भारत के नई अयोध्या का दर्शन भी हम सबको हो रहे हैं। बहनों भाइयों, जब नेतृत्व अच्छा होता है तो हमें दिव्य वाणी सुनने को मिलती है, दिव्य दर्शन होते हैं और सर्वत्र वह दिव्यता हमें देखने को मिलती है। यानी हम अपने जीवन में अगर ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो उसके परिणाम भी ईमानदारी पूर्वक कैसे स्वतः प्रकृति और परमात्मा की कृपा कैसे बनती है। काशी हो या अयोध्या, प्रयागराज हो या चित्रकूट, बद्रीनाथ धाम हो या केदारनाथ धाम, महाकाल का महालोक हो या फिर सोमनाथ का धाम, सर्वत्र यह दर्शन आज हर सनातन धर्मावलंबी को होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 22 जनवरी के ऐतिहासिक तिथि का सबको इंतजार है और मेरी विनम्र अपील होगी आप लोगों से, जगतगुरु के अमृत महोत्सव समारोह में आप सब पधारे। ये आप सबका सौभाग्य है कि आपको पूज्य जगतगुरु के श्रीमुख से प्रभु की इस कथा का श्रवण करने का आनंद भी प्राप्त हो रहा है। इतनी भीषण शीतलहरी बाहर है और हजारों की संख्या में आकर के कई कई दिनों से यहां रुक करके यह भी एक साधना है और जगत गुरु के श्रीमुख से प्रभु की इस कथा का श्रवण करने का आनंद भी आप ले रहे हैं। पूरी कथा में अगर आप देखेंगे प्रभु तो सर्वव्यापी हैं, सर्वेश्वर हैं, उनके बगैर एक तिनका भी नहीं हिल सकता, लेकिन जीवन में मर्यादा और संयम का क्या महत्व होता है यह पाठ भी प्रभु ने हम सबको सिखाया है। इस अयोध्या जो कई वर्षों तक, कई शताब्दियों तक उपेक्षा को झेली है, अपमान का दंश सही है, बर्दाश्त की है, आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई अयोध्या के दर्शन हो रहे हैं तो देश और दुनिया अयोध्या आने के लिए उत्सुक भी है, आतुर भी है। पूरे संयम के साथ, पूरे मर्यादित तरीके के साथ हम सबको अयोध्या में सभी अतिथियों को आने, उनके स्वागत करने और उन्हें रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो इसके लिए एक व्यवस्था बनानी चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य न करें जो संयम और मर्यादा का उल्लंघन माना जाता हो। यह हम अवश्य ध्यान रखेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबकी शुभेच्छा से अयोध्या अपने नाम के अनुरूप
अपने आप को साबित करेगी। मैं आज के इस अवसर पर जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी को उनके पावन जन्म महोत्सव अमृत महोत्सव के इस पावन अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से, प्रदेश की जनमानस जनता की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। जीवे मां सरदा सतम के भाव के साथ एक लंबे समय तक उनका मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद प्रदेशवासियों पर, सनातन धर्मावलंबियों पर बना रहे, इस विश्वास के साथ प्रभु राम से उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। जय जय सीताराम, जय श्री राम। मैं भी अपने आयुष्मान योगी जी को यहां से लखनऊ की ओर प्रस्थान करने की अनुमति देता हूं। फिर मिलते हैं, 22 को मिलेंगे ना।